और हमारी बहन ने जो ओजस्वी भाषण दिया, हमारे कवि महोदय ने मोदी जी के बारे में बताया कि पाकिस्तान दुखी है, ये कहां से आ गया? और बहन जी ने तो जो भाषण, और मोदी जी के जलवे आपने 5 साल में देखे हैं, पिछली सरकारों के गड्ढे भरे हैं, उनके घोटालों को उजागर किया है, देश को आगे बढ़ाया है, विकास की योजनाएं बहाई है, और संकल्प 2022 में किसान की आमदनी दुगना हो, और हमारे इस क्षेत्र के बहादुर सैनिक जो सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं उनका सम्मान बढ़ा है, चाहे युद्ध कारगिल का रहा हो, चाहे रेजांगला का रहा हो, पाकिस्तान का रहा हो, चाहे अब पुलवामा का ये हुआ हो, इसमें जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने हमारे सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन और ये कह दिया जैसी स्थिति में आप जहां भी हो सीमाओं पर हमारा कोई भी जवान अपना निर्णय ले सकता है और बहादुरी के साथ अगर कोई गोली आती है तो आप बम चला सकते हो, ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसलिए अलवर के मेरे सूरमाओं, मेरी माता और बहनें बैठी हैं, मैं सबको नमन करते हुए, और क्योंकि वक्ता बहुत हैं, मंच सारे वक्ता बीजेपी के वक्ता बहुत प्रखर वक्ता हैं, क्योंकि ये दिल से बोलते हैं, पवित्रता से बोलते हैं, उनमें संस्कार है, साधु समाज यहाँ बैठा है, और बालकनाथ जी योगी, मैं तो आज किस केवल इसलिए आया था कि मैंने बहुत निवेदन किया था, बार बार योगी जी से प्रार्थना की थी, बालकनाथ जी हमारी रोहतक की सीट ये चैलेंजिंग सीट है, इसमें हरियाणा का मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ता है, तो हम आग्रह करते हैं आप रोहतक से चुनाव लड़ लीजिए, और अगर आप रोहतक से चुनाव लड़ोगे तो आपका पूरा हरियाणा और राजस्थान। ये बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव के बारे में कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, वो नहीं आ पाए, वो रोग से ग्रस्त रहे, समय नहीं मिल पाया, संसद में रहे, पर ये बात मैं आज जनता के बीच में रहते मोदी जी के डंडे के नीचे जो भी कमल का निशान ले आता डॉक्टर जसवंत जी भी जीतते, वही विजय होता, विजय होता, लेकिन स्वामी जी ने, योगी जी ने कहा मुझे अपने गुरु जी का कर्जा उतारना है, इसलिए मैं जनता के बीच में अलवर से ही जाऊंगा। तो साथियों, अब स्वामी जी की इच्छा पूरी हो और सब साथी मिलके योद्धा की तरह आगे बढ़ो, और किस तरह से पाकिस्तान का पुलवामा का बदला उनके घर में जाके मारा है, उसके बाद मैंने 2 लाइन लिखी थी, तो सबक सिखाने कहीं ने ज्यादा हथौड़ा है, और उनको पक्का सबक सिखाने पानी का मुख मोड़ा है, अब धारा 370 का भी निकलेगा कोई उपाय, फिर सारा संकट कट जाएगा, चिंता कोई रहेगी ना है। और पहले बार किसी राष्ट्राध्यक्ष ने मर्दानी भाषा बोली है, मोदी जी की जय बोलो, मर्दानी भाषा बोली है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, आज इस महान यज्ञ में आहुति डालने के लिए आप आए हो, आपका धन्यवाद, पर प्रार्थना ये करने आया हूँ, यहाँ से जाके जुट जाओ, हम देश नहीं रुकने देंगे, हम देश नहीं खेलने देंगे, इसलिए हम रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, मेहनत करेंगे, और योगी जी को जिता के मोदी जी के सपनों का पूरा करके भारत को विश्व की महान शक्ति बनाने में अपनी आहुति देंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, प्रणाम।